तराना क्यों ना वो लब पर मेरे दादा दिया तेरा। वाह वाह, तराना क्यों ना वो लब पर मेरे पर मेरे दादा मियां तेरा। तराना क्यों ना हो लब पर एक शेर और समाज फरमाए कि जो है सरकार का मुनकिर वो सुनकर खाक हो जाए। जो है सरकार का मुनकिर वो सुनकर खाक हो जाए। जो है नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियां। सुभान अल्लाह। इस वक्त में सब चलेगा जैसा चाहे वैसा चलना, क्योंकि दो ही मकाम ऐसे मिलते हैं इंसान को जो गनीमत होते हैं उनके लिए। मुफ्ती साहब परेशानी हो रही है, आपकी इजाजत है मेरी तरफ से। अल्लाह सलामत रखे, ये मुखलिस और मुशफिक को मेहरबा है न, वरना मुकर्ररीन तकरीर करने के बाद स्टेज पे थोड़ी नहीं बैठ बैठने का मकाम होता है, जरूरत होती है, उनके काम होते हैं, रोजाना जागना भागना होता है। आखिरी शेर सुनिएगा सरकार दादा ने उनको शरीफ का समाज फरमाए। जरा कहें या रसूल अल्लाह और धीरे से कहें सुभान अल्लाह। और लगा दो मिलके ये नारा मेरे दादा मियां तेरा। और मुरादे खैर भी पाते हैं आकर आस्ताने पर। कसम खुदा की आखिरी शेर है और इससे बड़ा शेर मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। आवाज चाहे जो भी हो लेकिन शेर बहुत बड़ा है, समाप्त करें। मुरादे खैर भी पाते हैं आकर आस्ताने पर। मुरादे खैर भी पाते हैं आकर आस्ताने पर।
अमल भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल लिख कर ले जाएं, इसलिए दोस्तों हर साल होता है, इंशाल्लाह होता रहेगा, लेकिन ये जो खास अमल है इसको आप अपने वजीफे में शामिल कर लें, इंशाल्लाह एक आपकी बवाई मर्ज है जो आप हमेशा के लिए दूर रहेंगे। समाप्त करें कि वहाँ भी नजदीयत का उसको कीड़ा लग नहीं सकता। हम भी आपसे सुभान अल्लाह बगैर कहे कहलवा देते, लेकिन जो कि हालात जिस तरफ आप देख रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं बिल्कुल भी यानी वैसे ही हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, ये सब तुम्हारा कर्म है आपका जो बात अब तक बनी हुई है कि वहाँ भी नजदीयत का उसको कीड़ा लग नहीं सकता। वहाँ भी नजदीयत का उसको कीड़ा लग नहीं सकता। वहाँ भी नजदीयत का उस सकता। लिखा हो नाम जिस दिल पर मेरे दादा मियां तेरा, लिखा हो नाम जिस दिल पर